इस वक्त के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मोदी 3.0 नई सरकार का गठन है, उसके बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या कुछ वहां पर खास है और ये दौरा प्रधानमंत्री का किस मायने में, किन मायनों में खास है, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, पता नहीं क्या क्या खतरे में बताने वाले लोग आखिरकार फैमिली फर्स्ट की पॉलिटिक्स पर दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह अपने परिवार के लोगों को भर रहे हैं और भी ज्यादा भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर आज खास चर्चा होगी। और इसके बाद हम बात करेंगे कि बिहार में पटना हाई कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया है। याचिकाएं डाली गई थी तो बढ़े हुए आरक्षण के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो इस पर भी आपको अपडेट देंगे। इन तमाम मुद्दों पर होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर, करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, स्वागत की जोरदार तैयारी। कथित नीट पेपर लीक मामले पर गरमाई सियासत, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव से जोड़े मामले के तार, कहा तेजस्वी के पीएस ने गेस्ट हाउस में बुक कराए थे आरोपियों के कमरे। वही मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, हाई कोर्ट में चल रहे मामलों पर लगाई रोक। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ बड़ा आदेश, पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला किया रद्द। राज्य में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर किया गया था 65%। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल पर बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी, बेंगलुरु में राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक निकाली साइकिल रैली। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में नकली शराब पीने से 35 लोगों की मौत, 70 से भी अधिक लोग अस्पताल में भर्ती, मुख्यमंत्री ने दिए CBCID की जांच के आदेश। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम के तेवर में कुछ नरमी, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फबारी तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश, इधर दिल्ली NCR में भी भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर, कोलंबो में द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश विदेश में मची योग की धूम, Washington DC में भी लोगों ने उत्साह के साथ किया योग। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइन। सब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर पर बात करेंगे, और वो खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। बहुत ही अहम दौरा है, किन मायनों में खास है, इसी की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर, और स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे की।
और पीएम वहां पर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। आज शाम शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं। और 21 जून की सुबह पीएम श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद योग सत्र में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को श्रीनगर में ही आयोजित किया जा रहा है इस बार। तो श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह इस बार का। तो कभी आतंक का गढ़ रही कश्मीर की धरती से पूरी दुनिया को योग के जरिए शांति का संदेश मिलने वाला है। हाल ही में कभी आतंक का गढ़ था जम्मू कश्मीर और अब योग के जरिए शांति का संदेश मिलेगा। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने करीब 35 साल के बाद बंपर मतदान किया था, याद कीजिए इस बार के लोकसभा चुनाव में। और मोदी 3.0 सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री का यह जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है तो काफी अहम है। तो जम्मू कश्मीर में योग दिवस की तैयारियां लगभग आखिरी चरण में है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आएंगे, जिसके लिए काफी तैयारियां की जा रही हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7000 से ज्यादा योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में योग का प्रचलन पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष ये संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और बढ़ने वाली है। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वहां के स्थानीय लोगों में किस तरह का उत्साह है, आइए सुनते हैं। 10 वर्ष में योग विश्व भर में पहुंच गया, एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु के रूप में जो भारत को प्रस्थापित करने के लिए जो योग है ये महत्वपूर्ण माध्यम है। तो श्रीनगर का ये इवेंट खास इसलिए है कि यहाँ पर कश्मीर में योग के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्साह है। प्रधानमंत्री जी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आ रहे हैं, इसको लेकर जम्मू और कश्मीर में बहुत उत्साह है और बहुत सारी पार्टिसिपेशन हमें मिल रही है। 6000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने का ऐसा अंदेशा है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है और गर्व की बात है कि हमारे बीच वो आएंगे और हमारे साथ ये योग का दिवस खुशी से मनाएंगे। बहुत प्राउड मोमेंट है, हमें खुशी है इस चीज़ की कि हम इस बड़े इवेंट में यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि हो रहा है यहाँ पे SKICC एट डल लेक के पास है। इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, तैयारियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं 2 दिनों के दौरे पर और किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता नितेंद्र सिंह से जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ साथ में यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं नितेंद्र के पास चल के अपडेट लेता हूँ। नितेंद्र के पीछे देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, नितेंद्र आपके पीछे डल झील है, मैं पहचान गया। ये बताइए कि किस तरह वहाँ पर लोगों में तो बड़ा ज़बरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और अभी मुझे लगता है माहौल भी मौसम भी बड़ा सुहाना होगा अभी श्रीनगर में और एकदम योग के लिए जिसे कहते हैं एकदम उपयुक्त होगा। जी बिल्कुल लालचंद जी, बिल्कुल परफेक्ट मौसम है, बहुत ही सुहाना मौसम है इस समय श्रीनगर का। और ठीक पीछे आप देखिए डल झील है, मशहूर डल झील है, और वो जो आप देख रहे हैं सब कुछ जो स्टेज लगा हुआ है और वहाँ पर भी योग होगा, यानी डल लेक के बीच में कुछ बच्चे भी होंगे, बाकी योग साधक योग प्रेमी होंगे वो भी वहाँ पर योग करेंगे। तो बहुत ही विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और जब ठीक डल झील के किनारे ही ओपन में खुले में प्रधानमंत्री योग सत्र का नेतृत्व करेंगे और 7000 से अधिक लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र हर जिला से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश से भी योग साधक यहाँ पर आएंगे
और योग करेंगे, तो एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और श्रीनगर में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तो उसका बहुत बड़ा मैसेज है, और उसमें दो इम्पॉर्टेंट मैसेज है। जब प्रधानमंत्री दो दिन के दौरे पर यहाँ आ रहे हैं, विकास भी और विरासत भी। विकास इस मायने में कि आज जो प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उसमें करीब करीब 3400 करोड़ के प्रोजेक्टों के शिलान्यास भी करेंगे, लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ कल जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में वो 6:30 बजे नेतृत्व करेंगे, तो वो एक हमारा विरासत है, योग हमारा विरासत है और सदियों पुरानी ये हमारी विरासत है, उसको हम दुनिया को एक और शोकेस करेंगे, कैसे श्रीनगर की धरती से, जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसके जरिए निरोग होने का, संतुलित होने का और शांति का संदेश देगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ विनोद जी भी यहाँ पर जुड़े हुए, हमारे सलाहकार संपादक स्टूडियो में जुड़े हुए हमारे साथ। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हो रहा है, मोदी सरकार, मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद पहला दौरा है, और पहला दौरा तो उसके बाद भी है कि जब 35 साल के बाद बंपर मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में, जैसा नितेंद्र वहां से नज़ारा दिखा रहे हैं, माहौल बता रहे हैं, बेहद ख़ास होने वाला है। जो नितेंद्र ने शब्द दिया कि विकास भी है और विरासत भी है इस बार। मैं नितेंद्र की ही बात को आगे बढ़ाता हूं, जैसे नितेंद्र कह रहे थे उसी बात में अगर आप ये देखिए कि पिछले साल में इंटरनेशनल आप एक बड़ा इवेंट में G20 का सम्मेलन हुआ था, और इस बार ये दूसरा एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है जी। लाल जी, ये ऐसा कहने में तो इवेंट को लगता है कि एक योग G20 का ये सम्मेलन था, इसके बाद ये इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट आप देखें जो नितेंद्र कह रहे थे विकास और विरासत में, तो उसका आप ये देखिए कि पिछले साल कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 2.11 मतलब 2,11,00,000 वहां टूरिस्ट आए थे। अब फर्ज कीजिए कि उसमें से 1 करोड़ जो टूरिस्ट हैं, जो वैष्णो देवी माता दरबार में आने वाले श्रद्धालु हैं, लेकिन उसमें भी से कम 50,00,000 ऐसे लोग होंगे जो एक पोटेंशियल टूरिस्ट भी होते हैं, जो कश्मीर जाते हैं। जी जी, तो एक ये नया कश्मीर का जो एक आप एक देख रहे हैं जो तस्वीर है जहां नितेंद्र खड़े हैं, वो नया तस्वीर का एक ये आप एक तस्वीर को आप जब देखते हैं तो आप देखिए कि जिस कश्मीर में 25,000 से 30,000 के बीच में टूरिस्ट सिमट गया था, पिछले इस दौर में आते आते अब 2,11,00,000 टूरिस्ट आ रहे हैं। तो आप उसके एक सामाजिक भागीदारी को समझिए, वहां के लोगों का इकोनॉमी को समझिए, वहां के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझिए कि ये कश्मीर किस तरह से बदला है। और जब नितेंद्र कह रहे थे कि जब प्राइम मिनिस्टर संवाद भी करेंगे लोगों से आज शाम में, तो वो भी देखिए कि उसमें वो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस नया कश्मीर को बनाने में, इसको संवारने में, इसके डेवलपमेंट में जो यूथ हैं वहां, और उन्होंने भागीदारी की है, आज पीएम उनसे भी सब बात कर रहे हैं। तो ये बदलता कश्मीर जब हम कहते हैं, ये नया कश्मीर जब कहते हैं, तो G20 के बाद ये योगा, इंटरनेशनल योगा डे आप कह सकते हैं इस कड़ी में एक बड़ा इवेंट है जब प्राइम मिनिस्टर शाम में वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नितेंद्र, आपसे मैं जरा उस नज़ारे पर लौटना चाहूंगा जो आप अपने पीछे दिखा रहे थे, अभी भी नजर आ रहा है कि हम जो देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि शेरे कश्मीर इंटरनेशनल में आयोजन तो है, लेकिन लोग जो योग करेंगे वो बिल्कुल डल झील के ऊपर योग करेंगे जैसा कि हमें दिखाई पड़ रहा है, तो लोगों में तो गजब का उत्साह होगा इस बार वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए डल झील के बीच में जो आप देख रहे हैं वहाँ तो करेंगे, साथ ही बगल में बहुत एक ओपन स्पेस है एकदम ठीक किनारे में, तो यहीं पर तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोग रहेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी इस योग सत्र में हिस्सा लेंगे। जहाँ तक विनोद जी ने कहा कि कैसे पर्यटन आगे बढ़ा है बीते कुछ सालों में, मेरी अभी बात हो रही थी कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि बीते करीब 7-8 साल में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, और बोल रहे थे, उनका ये भी कहना था कि हमको हर सीजन में अब हम पैसा कमा रहे हैं, टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। मैं डल लेक के पिछले जो हिस्सा है उसमें मैं गया था, देश भर के टूरिस्ट यहाँ इस वक्त आए हुए हैं और आपको खाली नहीं मिल रहा है शिकारा। तो ये एक तरीके से आप सोचिए कि किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और उनके आने के बाद जो यहाँ पे एक बदलाव देखने को मिलेगा, खासतौर पे टूरिज्म के सेक्टर में, वो काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। और जो शाम में आज प्रधानमंत्री इंटरेक्ट करेंगे, और 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट में सड़क भी है,
शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जलापूर्ति से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। ये प्रोजेक्ट जिसमें 1800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसकी शुभारंभ की जा रही है, वो सिर्फ कृषि से जुड़ा हुआ है और उसमें 20 जिलों के 90 जो ब्लॉक है उसमें ये परियोजना चलाया जाएगा, जिसमें करीब करीब 15 लाख लोग सीधे लाभान्वित होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से अर्थव्यवस्था में योगदान भी देगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री 2000 जो यहाँ पर युवा हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे और यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें आयुष के प्रोडक्ट तो है ही है, साथ ही साथ जितने भी स्टार्टअप है जम्मू कश्मीर में वो यहाँ पर आएंगे और वो प्रधानमंत्री उसको देखेंगे, साथ ही साथ उनसे संवाद भी करेंगे। तो कुछ ऐसे युवा यहाँ पर हैं, आए हैं, जिन्होंने अपने बलबूते बहुत कुछ किया है रोजगार के क्षेत्र में, उनसे भी पीएम संवाद करेंगे। तो और कुछ यूथ भी हैं वो भी संवाद करेंगे। तो निश्चित तौर पे विकास किस तरीके से हो रहा है, खासतौर पे युवाओं की क्या जरूरतें हैं, उनको कैसे सरकार पूरा कर पा रही है, ये तमाम चीजों से सीधे रूबरू होंगे पीएम। और जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसका बहुत सकारात्मक नतीजा देखने को मिला, साथ ही साथ बहुत पारंपरिक तरीके से पीएम का यहाँ स्वागत किया जाएगा जो कश्मीर का जो परंपरा है उसके हिसाब से। बिल्कुल विनोद जी, जो बात हम बढ़ा रहे थे आगे और जो नितेंद्र कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों में वहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदली है, हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जिस तरह से हाल के चुनाव में भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने रेसिप्रोकेट किया है अपना मतदान दे करके, और प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में तो वैसे भी पहले से जम्मू कश्मीर है ही, लेकिन इस बार जिस तरह का बंपर मतदान हुआ है, लोगों ने जो वहाँ पर जेस्चर दिखाया है उसके लिए भी प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास रेसिप्रोकेट करने के मामले में। जब लाल जी आप कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदाबाद, तो उसकी आप कह सकते हैं कि एक जो स्वर है वो कश्मीर से आती है, उसकी आवाज आपने कश्मीर से सुना होगा। लोकतंत्र जिंदाबाद जब आप कहते हैं तो आप देखिए कि आर्टिकल 370 से पहले जो फैमिली फर्स्ट का जो कश्मीर में चलता रहा था, उस फैमिली फर्स्ट को कम से कम कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और दो दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, चुनाव हार गई थी। तो ये एक बड़ा मौका है। अब भी जब जितेंद्र बात कर रहे थे तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा मौका इसलिए भी है कि जम्मू कश्मीर में वहां आम लोगों को इस भागीदारी के माध्यम से, जो आप कहते हैं सामाजिक भागीदारी का, पीपुल्स गवर्नेंस के माध्यम से वहां डेवलपमेंट करने का मौका मिला है। और जब वो डेवलपमेंट के मौके में आप जब आम लोग स्टेक होल्डर होते हैं, तब आप कहते हैं कि जमहूरियत जिंदाबाद, और वो जमहूरियत जिंदाबाद को जम्मू कश्मीर ने दिखाया है। आप जब कश्मीर में आप देखते हैं, जो नितेंद्र कह रहे थे, अभी तो टूरिस्ट का पिक सीजन है, वहां शायद ही कोई शिकार, वहां पे हॉटस्पॉट जो होंगे वो खाली होंगे। अब आप देखिए कि उस कश्मीर में, श्रीनगर में अभी 50,000 से ज्यादा वहां फॉरेन टूरिस्ट आ चुके हैं। तो आप जब इस बदलाव को देखते हैं, नया कश्मीर की बात आप करते हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि जमहूरियत जिंदाबाद लोगों ने कहा तो कश्मीर में ये बदलाव जो है वो सामने में है। और उसके सामने साथ साथ जब आप देखते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे जैसा एक बड़ा फेस्टिवल कल कश्मीर में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक इंटरनेशनल इंपैक्ट भी पड़ेगा। लोगों को कश्मीर के इस खुशहाली और अमन की जो ये खुशबू है वो शायद लगता है कि विदेशों तक भी जाएगी। बिल्कुल, और ये खुशबू हमें हमारे संवाददाता नितेंद्र तो बता ही रहे हैं और आगे कल तक भी बताते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र जुड़ने के लिए और वहां से हमें ये खुशबू हमारे तक पहुंचाने के लिए, जिसका जिक्र विनोद जी कर रहे थे। और विनोद जी फिलहाल आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि आगे जो हम खास चर्चा करने वाले हैं उसमें भी आपके साथ चर्चा करेंगे बहुत बहुत। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन आज अगर आप देखिए तो अपने परिवार के लोगों को ठूंसे जा रहे हैं राजनीति में, तो इससे पता चलता है कि असलियत क्या। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए, बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। योग व्यक्ति
परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है, किया है बंधन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं, इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र में फैमिली फर्स्ट, यानी कि सारी बातें धरी की धरी रह गईं और अब सिर्फ परिवार के लोगों को ठूसा जा रहा है, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, क्या ये सिर्फ चुनाव भर के लिए ही था? राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों ने लोकतंत्र को बचा लिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता राजेश शर्मा ऐसा नहीं मानते। वो परिवार से ही लोकतंत्र पर संकट देख रहे हैं। दरअसल विधानसभा के उपचुनाव में सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को उतारे जाने के बाद राजेश शर्मा ने निर्दलीय पर्चा भरने का ऐलान कर दिया है। मीडिया की खबरों के अनुसार राजेश शर्मा ने दोहरा विधानसभा क्षेत्र से 2022 में चुनाव लड़ा था, अब एक बार फिर से वो दावेदारी चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि आला कमान का आदेश आया है और उन्होंने अपनी पत्नी को इसीलिए तो चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन मुख्य विपक्षी बीजेपी ने कहा है कि हिमाचल में अब पति पत्नी की सरकार बन गई है। बीजेपी का आरोप है कि सुक्खू ने पहले कहा था कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए और अब पत्नी को मैदान में उतार दिया है। तो भाई भतीजावाद के आरोप के कारण ही तो पिछले महीने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में हरा दिया था। इधर पंजाब की बात कीजिए, वहां भी पति कांग्रेस के टिकट से एमपी बन गए तो अपनी विधानसभा सीट पर अब पत्नी को मैदान में उतारना चाहते हैं, तो पति पत्नी की जोड़ी वहां भी चाहिए। पंजाब में चुनाव लड़ने का मामला अमूमन फैमिली अफेयर ही माना जाता है। कांग्रेस के दो नए सांसदों ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की इच्छा जाहिर की है। अब हरियाणा आ जाइए, हरियाणा में भी फैमिली फर्स्ट की पॉलिटिक्स में किरण चौधरी को जगह नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया अपनी बेटी श्रुति चौधरी समेत। तो सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाया कि किरण चौधरी के खिलाफ ज्यादती तो हुई है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला इसीलिए उनको जाना पड़ा। तो फिर यहीं से बात यह भी उठती है, तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को इंसाफ मिल गया है क्या? क्योंकि वायनाड से तो अब वो चुनाव लड़ेंगी और संसद पहुंच सकती हैं अगर जीत जाती हैं। तो यह भी इसी लोकतंत्र में होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे। और उधर अखिलेश यादव, उनकी बात कर लीजिए, संविधान बचाने के संकल्प को लेकर चुनाव में उतरे थे, हुआ क्या, अखिलेश सहित परिवार के 5 सदस्य संसद पहुंच गए, करीब करीब आधा दर्जन हो ही गया। महिला सशक्तिकरण में परिवार की प्राथमिकता होगी, संसद से विधानसभा तक परिवार की ही लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। तो फिर 144 करोड़ लोग क्या करेंगे, वोट ही डालते रहेंगे सब दिन और देश में अभी सही लोकतंत्र का इंतजार ही करते रहेंगे। वो नेता नहीं बन सकते, वो राजनीति में नहीं बन सकते, उनके लिए जगह नहीं बनेगी। यही सब सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, और साथ में विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत, आपको भी नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं चर्चा को बढ़ाता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें पूरे चुनाव में सुनने को मिली, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, फिर कभी चुनाव नहीं होगा, रूस टाइप का हो रहा है, नाम ले लिया था, लेना नहीं चाहिए लेकिन ले लिया था। अब हम देख रहे हैं कि वो असलियत आ रही है क्या, सब लोग अपने अपने पत्नी पति तो ये तो पूरे परिवार के लोगों को बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कोई दूसरा है ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए।
लाल जी, जैसा आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि एक सीएम का, जो सुखविंदर सुक्खू हैं, अगर वो सीएम अपनी पत्नी को उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2022 के जो असेंबली इलेक्शन में जो कैंडिडेट हार गए थे उनकी दावेदारी तो बनती है। अगर वो राजेश शर्मा हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने आज भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाई जब कांग्रेस के एक टिकट पे हमने पिछली बार चुनाव लड़ा था और कम वोट से हम चुनाव हार गए थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज सुक्खू को अपनी पत्नी को वहां उतारने की जरूरत है? लोकतंत्र की बात जब आप कह रहे थे खतरे में है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल का पूरा विश्वास अपने परिवार तक ही है? जो सुक्खू इस बात से घबराए हुए हैं क्रॉस वोटिंग से, जो राज्यसभा में आपने देखा कि वहां कई एमएलए, कांग्रेस के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग करके अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया था जी, तो क्या ये विश्वास के कारण ही ऐसा मामला वहां बन रहा है कि अब सुक्खू को कम से कम सीएम को अपनी पत्नी पे ही भरोसा है जी, बाकी एमएलए पे उनका उतना भरोसा नहीं रह गया है कि वो कब क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? पंजाब में आप देखिए कि क्यों पंजाब में अभी चाहे उड़ांधवा साहब हो चाहे राजा साहब हो, तो ये लोग क्यों चाहते हैं कि उनकी सीट पे, उनका जो सीट पे जो दावेदारी उनकी पत्नी को मिले? आप हरियाणा में आपने दिखाया, आपने अखिलेश जी को दिखाया कि सब पूरा कैंपेन इनका लोकतंत्र खतरे में और संविधान खतरे में था, और आज परिवार के 5 लोग आ गए सांसद बन के। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आप जब लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, अपना नैरेटिव चलाते हैं, ठीक है, और जो आप सामने में दिखाते हैं उसमें तो लोगों को इस लोकतंत्र पे जरूर खतरा लगेगा कि बाकी लोग जो 140 करोड़ के देशवासी में अगर किसी महिला को मौका मिलने के बदले अगर वायनाड में प्रियंका गांधी खड़ी होती है, तो क्या कांग्रेस की कोई महिला प्रतिनिधि को, महिला वहां जो कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन आपने यहाँ रायबरेली अमेठी के बजाय आपने वायनाड उनको दिया। तो सवाल है ये फैमिली फर्स्ट में फिर लोकतंत्र का फर्स्ट होगा, ये एक सवाल तो बनता है लाल जी। और ये सवाल मैं सीधे ट्रांसफर करता हूँ पहले विजय जी के पास। विजय जी मुझे लगता है कई बार बहुत क्रांतिकारी बातें करते हैं और ऐसे परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जो बोलेंगे जरूर, मुझे लग रहा है। विजय जी, अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा क्या कुछ परिवार ही करेंगे? कांग्रेस पार्टी के और बाकी कांग्रेस के सहयोगियों के जो कुछ गिने चुने परिवार हैं उन्हीं लोगों को मिल करके करना है, तो बताइए, बाकी सारे लोग खाली वोट डालते रहेंगे सब दिन? नहीं, मौजूदा हालात में तो पार्टी हाईकमान ये समझ चुका है कि परिवारवाद ही पार्टी की रक्षा कर सकता है और देश की रक्षा कर सकता है। मैं आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, और अगर मोदी जी ने अपना परिवार नहीं बनाया, अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर दिया, तो यह उनका कसूर है। अगर आज चुनाव लड़ रहे होते उनका कसूर है, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर उनके बच्चे होते, वो चुनाव लड़ते, तो कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं था। आप ये देखिए, राजीव गांधी जी ने अपनी शहादत दे दी, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी। अगर उसी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी में भी वही चल रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ऐसे मौके सभी को मिलने चाहिए। राष्ट्रीय स्वराज की क्या योग्यता थी? और दूसरा क्या है, जितने भी ऑपरेशन लोटस चलते हैं उसमें जो गैर परिवारवादी लोग होते हैं वो भाजपा के झांसे में जल्दी आते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अगर निर्णय ले लिया भाई परिवार के लोग ही आगे बढ़े जिससे पार्टी मजबूत हो, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, लोकसभा में जो सांसद चुने तो ये पूरा लोकतंत्र घर तक ही होगा। विजय जी, वही कह रहा हूँ कि लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, संविधान का खतरा कैसे बचाएंगे? लालचंद जी, परिवार जो है इस देश की सबसे छोटी इकाई होता है किसी भी समाज, तो उसको दूसरा नाम दे दीजिए ना, फिर राजतंत्र बोलिए। राजतंत्र राजतंत्र सुनिए ना, राजतंत्र तो मोदी जी स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजदंड स्थापित कर दिया देश की संसद में, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, भाजपा में परिवारवाद है, और अगर कांग्रेस उस चीज को स्वीकार कर रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? दर्द का एकमात्र कारण ये है, ये नहीं चाहते कोई महिला आगे आए, वायनाड से चुनाव लड़े और मोदी जी के लिए आने वाले समय में बनारस से खतरा बन जाए। अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी जी खुलासा, तो बनारस से सीधे डायरेक्ट लड़ना चाहिए था, बनारस से लड़ते। बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि लड़िए बनारस से, लड़ लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वायनाड के रास्ते आने की क्या जरूरत? सुनिए ना, राहुल गांधी जी के खुलासे के बाद ये सवाल उठे, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए
प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी मोदी जी तो सीट खाली नहीं कर रहे। अच्छा। मोदी जी अगर दोबारा उस सीट पर उपचुनाव करा ले ठीक है, तो हम निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी को अच्छा मैं एक लड़ा देंगे। ठीक है, मैं एक चीज करता हूँ, कौशल जी से पूछता हूँ कि वो कितना खतरा महसूस कर रहे हैं वाया वायनाड वाराणसी तक का अगर प्रियंका जी आती हैं तो। कौशल जी कितना खतरा महसूस हो रहा है आपको? राहुल जी से तो कम ही खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि राहुल जी ने अभी तक प्रियंका को रोक के रखा था, और अब जब वायनाड की सीट की बात आती है तो उन्हें और कोई नजर नहीं आता, प्रियंका जी ही नजर आती है। परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं तो, और कांग्रेस के मेरे दोस्त खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के वैसे आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि आप भी जो है परिवारवाद की राजनीति करते हैं, आपके कुछ नेताओं के बच्चों को या फिर उनके फैमिली के लोगों को टिकट दिया जाता है। मैंने उठा दी बात विजय जी, मैंने आपकी तरफ से बात उठा दी, कौशल जी से जवाब मांग लिया, बोलिए कौशल जी। ये बात हर बार जब परिवारवाद पे चर्चा होती है तो यही डिस्कशन होता है कि कुछ परिवारों के नाम, चूंकि बीजेपी का परिवार पूरे देश को बीजेपी अपना परिवार मानती है और उस परिवार में कुछ बच्चों को मिलता है तो उसको परिवारवाद की संज्ञा दी जाती है, जबकि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन हक है वो हक में परिवार का कोई रोल नहीं होता है। आप ये देखिए, राजनाथ जी के बाद उनके दो बच्चे हैं, दोनों पॉलिटिक्स में है, लेकिन हो सकता उनके साथ इसी वजह से नहीं किया जा रहा क्योंकि परिवार के नाम ना आ जाए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनके बहुत ब्राइट बच्चे हैं पर उनको सिर्फ इसलिए टिकट या प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि ये आरोप ना लगे। और हम एक लोकतंत्र में एक मिसाल पेश करना चाहते हैं, विपक्ष या इंडी गठबंधन के लिए मैं फर्स्ट, परिवार सेकेंड, पार्टी थर्ड और देश सबसे लास्ट में है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और हम राष्ट्रहित को ध्यान तो आप ये कह रहे हैं कि आपके परिवारवाद में और इनके परिवारवाद में अंतर है, ये कह रहे हैं आप? हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई भी एक ऐसा परिवार है जो ये डिसाइड कर सके कि कौन सा नेक्स्ट एमपी होगा या कौन सा नेक्स्ट एमएलए होगा? लेकिन अगर हम इंडी गठबंधन में कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में हाईकमान अध्यक्ष से ऊपर होता है, ठीक। अगर अखिलेश यादव को देख लें, पांच परिवार के एक ही साथ आए हैं और इसके पहले जब मुलायम जी थे तो 29 लोग एक ही परिवार के राजनीति ठीक है। अगर और है। आगे बढ़ते हैं ठीक है, करुणा निधि देख लें तो स्टालिन देख ठीक है, ऐसे कई उदाहरण हैं, सच बात है, देख लें तेज प्रताप देख लें। इसमें मैंने पार्टी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने परिवार की बात नहीं, लेकिन जब आप इनके अलायंस का आप नाम लेते हैं तो आपके भी कुछ अलायंस के नाम आएंगे जहां पर की परिवारवाद का आरोप लगता है, वो जब हमारे अंदर समाहित हो जाएंगे तो उनका परिवारवाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब शामिल हो जाएंगे, जब हम डिसाइड करेंगे, हाँ। कि वोट किसको एमपी या एमएलए का टिकट मिलना चाहिए, कौन नेतृत्व करेगा, ये डिसीजन मेकिंग जब एक कोर कमेटी के पास आएगी, इलेक्शन कमेटी के पास आएगी, संवैधानिक बॉडी के पास आएगी, तब मुझे लगता है परिवारवाद। ठीक, मैं विजय जी का काउंटर लूंगा, लेकिन पहले विनोद जी थोड़ा सा आप हमें समझाइए और हमारे दर्शकों को कि ये जो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी जैसे विजय जी ने आरोप लगा दिया, क्या अंतर है परिवारवाद में? क्योंकि जो बात अभी कौशल जी कह रहे थे उसको भी अकाउंट में लेने की जरूरत है। कोई बड़ा नेता है, उनके बच्चे जो हैं वो पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, तो क्या उनको रोकना परिवारवाद से बचने का फॉर्मूला हो सकता है? मैं कोशिश करता हूं लाल जी आपके सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन मुझे विजय जी पता है कि वो हरियाणा से हैं, तो विजय जी एक हुडा परिवार ने बंसीलाल के परिवार को आखिरकार कांग्रेस से बाहर कर ही दिया। कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आप बेहतर बता सकते हैं कि आप इस बार देखिए कि भूपेंद्र हुडा ने एक सीट के लिए आप किरण चौधरी को, कि श्रुति के लिए वो मांग रही थी कि आप मुझे एक सीट दे दो, उस तक के लिए भूपेंद्र हुडा तैयार नहीं। अच्छा, कुमारी शैलजा जैसी नेताओं ने उनका समर्थन किया है? शैलजा बता रही है और खुल के बोल रही है भूपेंद्र हुडा का जो परिवारवाद है कि उसने बताया कि पूरे के पूरे पार्टी को भूपेंद्र हुडा ने एक तरह से हॉस्टेज कर रखा है। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर से आवाज आ रही है, ज्यादा बात तो विजय जी बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे, क्योंकि हरियाणा के बहुत एक्टिव राजनीति में विजय जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विजय जी जब परिवार के नाम पे किसी का ईगो क्लैश करता है तो एक पुराने नेता किरण चौधरी जो आपके मंत्री भी रही थी और पुराने उनके आप चीफ मिनिस्टर ले लीजिए तो बंसीलाल जी का एक पुराना सरोकार था, तो आप खारिज कर देते हैं उसको, दूसरी पार्टी में बीजेपी में जाना पड़ता है। तो जब हरियाणा में आपने ये इंस्टेंस देखा तो क्या हिमाचल में आप देख रहे हैं कि सुखू अभी तक तो ये चल रहा था परिवारवाद में कि राजा का वहाँ पे विक्रमादित्य आए
उनके बाद में उनके पहले उनकी माँ थी पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में जी। अब सुखू चीफ मिनिस्टर है तो क्या एक नया परिवार फिर पॉलिटिक्स में हिमाचल में बन रहा है? सुखू चीफ मिनिस्टर है तो उनकी पत्नी वहां पे एमएलए भी बन जाएंगी। तो बीजेपी का जब ये आरोप है पति पत्नी का सरकार, तो इस सरकार को आप किस तरह से खारिज करेंगे? ठीक है, बीजेपी में किसी नेता के किसी एक्टिव परिवार के लोगों को अगर टिकट दिया गया है जो जमीन पे काम किया है उन्होंने, तो उसको आप परिवारवाद से कैसे जोड़ देंगे जब एक परिवार के नाम पे आप एक पूरा वहां पे एक डिनेस्टी बना लेते हैं? बिल्कुल। तो ये हरियाणा के डिनेस्टी को और हिमाचल के जो डिनेस्टी बन रही है, इस दोनों पे आप एक जरूर प्रकाश डाल सकते हैं। बिल्कुल, उनसे और पंजाब में तो है ही, मैं प्रकाश इस लूंगा। और विजय जी तो ऐसे लोग हैं जो बाहर की हरियाणा के बाहर चीजों पर ईमानदारी दिखाते हैं, तो हरियाणा वाले पर तो पूरी ईमानदारी से बोलेंगे। विजय जी बताइए, क्यों किरण चौधरी जी को मजबूर होकर के छोड़ना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, और कुमारी शैलजा जैसी नेता जो हैं वो उनका समर्थन कर रही हैं? विजय जी देखिए, पहली बात जो किरण चौधरी जी की बात है, जब उन्हें विधानसभा की टिकट मिली हुई थी, वो मंत्री बनी हुई थी, फिर उनकी बेटी को जो है लोकसभा की टिकट दे दी गई, उनकी बेटी भी कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा सांसद चुनी गई, जब परिवारवाद की बात कही थी, पहली बात। दूसरी बात, शैलजा जी जो आरोप लगा रही है कि हुड्डा जी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो तो सीधा सीधा हमारे नेता राहुल गांधी जी पर सवाल खड़े कर रही है, सोनिया गांधी जी पर सवाल खड़े कर रही है। क्या किरण चौधरी जी को सोनिया गांधी जी नहीं जानती या शैलजा जी नहीं जानती? अगर किरण चौधरी के साथ अन्याय हो रहा था तो शैलजा जी उन्हें लेकर क्यों नहीं चली गई राहुल गांधी जी के पास या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास? तो ये केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह। आप हकीकत बता दीजिए कि हकीकत क्या है इस मामले की। देखिए, हकीकत सीबीसी है, इस बार जो टिकटें दी गई वो सर्वे के आधार पर दी गई कि कौन कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में है। उसमें श्रुति चौधरी का नाम नहीं था, फाइट देने वालों में भी नहीं था। तो सीधी सी बात है कि भी अब की बार कांग्रेस ने एक खाना था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर ये सर्वे पहले होकर 6 महीने पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए होते तो कम से कम हम 9 सीटें जीत कराते हरियाणा में, इतनी बड़ी बात होती। और मैं तो ये कहता हूं, मान लो कि भी आप ये कहते हैं कि भी हुड्डा जी की चली है, तो क्या भी पार्टी हाईकमान ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है? पार्टी हाईकमान अंधा है क्या? सब कुछ दिखाई देता है राहुल गांधी जी को। जो निर्णय हुआ था ये सर्वे के आधार पर टिकटें दी गई थी, ये बात आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। किरण चौधरी जी का अपना एक राजनीतिक, क्योंकि मैं एक वो भी बता देता हूँ कि क्या कहानी है, हिमाचल वाले पे भी जवाब दे दीजिएगा कि वहां भी वो पत्नी को उतार रहे हैं। वहां तो हमने देखिए, सुनिए, हमने अब पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद को स्वीकार कर लिया है। अब हम किसी के दादा को भी देंगे तो उसके बेटे को भी देंगे, पोते को भी देंगे। मोदी जी अगर चाहते हैं तो भैया वो भी अपना संतान आगे करें, कुछ करें। हमें ये देखिए, खुले तौर पर कह रहे हैं भाई बेटे को भी देंगे, पोते को। आप एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। हां, वही मैं कह रहा हूं, बताइए। आप एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। जब मोदी के इसी बात पे, जब आप देखिए कि लालू यादव ने मोदी जी के परिवार पे सवाल उठाया था, तो आपने देखा देश के करोड़ों लोगों ने मोदी का परिवार के नाम से एक, आप ये देखे उस समय का कैंपेन, आप लोग एक हद से लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। आप दूरदर्शन पे बोल रहे हैं, कम से कम इस बात की, इस मर्यादा को समझिए। आप पुराने नेता हैं कांग्रेस के, मैं इसलिए आपको विनम्रता से आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, ये हमारे कहने का मतलब क्या है? विनोद जी की ये बात सही है कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं, आप ये बात जान लीजिए कि आप दूरदर्शन पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। आपने देश ने किस तरह का जीवन जिया, इसको लालू यादव के एक परिवार की बात कहने पे देश ने किस तरह से मोदी का परिवार का करोड़ों लोगों ने इसका एक समर्थन करते हुए आगे आए थे। इस तरह की आप लोग बचकानी बात करते हुए परिवार के बात को परिवार से सब ये अपने परिवार के दलील को आप इस तरह से देंगे, आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। बात सही है, तुलना नहीं है, तुलना नहीं है दोनों चीजों। सुनिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, मैंने इसका मोदी का अर्थ है भाजपा, मोदी का अर्थ है मोदी सरकार। अगर मोदी जी या उनकी पार्टी के नेता अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं ना, आप देख लीजिए ना, उनके टॉप के जितने भी नेता हैं, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम नेता हो, इन लोगों का कोई परिवार का आदमी नहीं है उसमें पॉलिटिक्स में। तो ये उनकी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, हमें उससे क्या लेना? तो आप कहिए कि हमारी परिवारवाद हमारी पॉलिसी है, ये कहिए, आप कहिए। फिर मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको कह दिया
कि जो परिवार देश के लिए कुर्बानी देने को है तैयार वो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को है स्वीकार। अच्छा जी बात सुन लीजिए, चाहे कोई भी परिवार हो, चाहे हुड्डा जी का परिवार हो, ठीक है, चाहे सुखू जी का परिवार हो, देश की सुनिए सुनिए ना, हुड्डा जी के पिताजी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, रणवीर सिंह हुड्डा ने, हुड्डा जी ने इस देश में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, देश की जनता के लिए काम किया, हरियाणा की जनता के लिए काम किया। ठीक है, हम समझ गए कि लोकतंत्र की कैसे रक्षा होगी जब आप कह रहे हैं बेटे को देंगे पोते को देंगे। हाँ सीधी सी बात है, जो काम करेगा ठीक है, जनता के लिए अच्छे काम करेगा, हम उसे टिकट देंगे। ठीक है ठीक है। कौशल जी, कौशल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम तो बेटे को देंगे पोते को देंगे, कल कर पोते के बेटे को भी देंगे, हो सकता है दे दें। अब ये बताइए परिवार, हाँ परिवारवाद के इस मॉडल में आप कहां पर हैं और कैसे काउंटर करेंगे, और लोकतंत्र की रक्षा का मॉडल आपका क्या है? विजय जी ने अपना मॉडल बता दिया है। लालचंद जी, तर्क का जवाब हो सकता है, कुतर्क का जवाब कुतर्क हो सकता है, जो मैं नहीं कर सकता, तो मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम परिवार को देख करके नहीं बना हुआ है, क्षमता को देख करके बना हुआ, और उसी का एग्जाम्पल है। आज देखिए, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो, कई प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर किस परिवार से आते हैं, इनके बारे में कोई नहीं जानता। इसी तरह के परिवार भारत उठाता, और वही नहीं रुकते हैं। जब हम पद्म देते हैं, पद्म भूषण देते हैं, पद्मश्री देते हैं, तो वो भी हम परिवार देख करके या सिफारिश देख करके नहीं देते हैं। एक जमाना था जब शायद उत्तर प्रदेश में संस्कार भारती का कोई पुरस्कार था, जिसको करीब 32 लोगों को दिया गया था, जिसमें 27 यादव थे, यश भारती, जिसमें 27 यादव थे, और बाकी के जो 5 या 6 बचे हुए थे वो मुसलमान थे। तो इस तरह का तर्क केवल कांग्रेस या इंडी गठबंधन वाले दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक एक विचारधारा बेस पार्टी है, जो विरासत, विकास और विचारधारा को एक साथ लेकर के चलती है, देश का सम्मान करती है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, इनके लिए परिवार सर्वप्रथम है, यही मेन फर्क है। ठीक है, विजय जी आप काउंटर करना चाहते थे, कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं हम योग्यता देश का टिकट देते हैं, फिर मोदी जी लोकसभा चुनाव में अपने नाम पर हर जगह वोट क्यों मांग रहे थे? उन्हें ये कहनी चाहिए थी मेरे सांसद की योग्यता देखो, अगर ये योग्य है तो चुनो, लेकिन वहां तो केवल वोट मोदी जी के नाम पर मांगी जा रही थी। तो कहने का अर्थ यह है, केवल हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर किसी का इस चीज का परिवारवाद से क्या लेना देना। लालचंद जी, लालचंद जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, जरा विजय जी को पूरी कर लीजिए। इस चीज का मतलब केवल अपनी पार्टी की पॉलिसी से है। भाई ठीक है, इनकी पार्टी की पॉलिसी ये है कि मोदी के नाम पर ये अपने सांसदों को साइड में कर देते हैं और मोदी जी का चेहरा आगे कर देते हैं। यानी परिवारवाद के बरक्ष आप व्यक्ति केंद्रित राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, है ना? मैं अगर सही समझ रहा हूँ, व्यक्तित्ववाद। ठीक है, कौशल जी आप काउंटर कर रहे थे, कीजिए। देखिए, एक तो यहाँ परिवारवाद की बात हो रही है, और मोदी जी को तो हमने ये कहा था इलेक्शन के पहले भी, ये कहा था कि हमारे लिए नेता कौन? मोदी जी, चुनाव निशान कमल। तो हम तो पहले से ही मोदी जी से बड़ा नेता है ही नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन यहां पर आप देखिए जिस तरह के एग्जाम्पल इनके यहां देखे गए हैं, आप ये देखिए जब राहुल गांधी बनाए जाए गए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके पास क्या योग्यता थी? जब पायलट राजीव गांधी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, स्वर्गीय हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं पूरी इज्जत के साथ चूंकि जवाब देना इसलिए दे रहा हूं कि राजीव गांधी पायलट थे, उनको ला करके बना दिया गया। मोम की गुड़गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा जी को इसी देश ने इंदिरा बनाया। तो कांग्रेस ने हमेशा परिवार को ऊपर रखा है, देश को लास्ट रखा है, और अपने आप को सर्वप्रथम रखा है, और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र सर्वप्रथम है, और जिसमें क्षमता है वो नंबर 2 पे है और कार्यकर्ता नंबर 3 पे है, क्योंकि वो क्षमता के हिसाब से कार्यकर्ता ही चुन करके आता है। अदरवाइज देश का प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, कई सारे देश के चीफ मिनिस्टर किसी परिवार को बिलोंग नहीं करते और पूरे प्रदेश और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं विनोद जी, जो बात आप अगर विजय जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देंगे बेटे को देंगे पोते को देंगे उसके बाद उनके बेटे को देंगे, यही हमारा मॉडल है, तो बहस सब कहाँ रह जाती है, बताइए। निखिल जी, ये लाल जी, हम लोग अगर अपनी रिपोर्ट पे आएँ और अपनी बहस पे आएँ, तो दोनों प्रवक्ताओं का हमने सुना है, अल्टीमेटली यही था जो इस इलेक्शन का पूरा कैंपेन और डिस्कोर्स जो बनाने की कोशिश हुई थी
इंडी गठबंधन से कि वो लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और जब कल राहुल गांधी का हमने 54वां बर्थडे का जो ये देखा कांग्रेस ऑफिस में, और जब वो अपने पत्रकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों ने लोकतंत्र बचा लिया, संविधान बचा लिया, तो जाहिर सी बात है कि ये एक इससे एक मैसेज भी है पूरे देश के लोगों को कि अगर ये परिवार के लोग जीत के आते हैं, चाहे वो यहाँ गांधी परिवार के लोग जीत के आ जाए, तो लोकतंत्र बचा हुआ है, संविधान बचा हुआ है। यूपी में अगर अखिलेश यादव के सारे परिवार जीत के आ जाए तो वहां भी संविधान को कोई खतरा नहीं है। बिहार में अगर लालू यादव के सारे परिवार जीत के आ जाए तो वहां भी संविधान खतरे में नहीं है। तमिलनाडु से स्टालिन के पूरे परिवार उसके सत्ता में वापस आ जाए तो वहां भी संविधान खतरे में नहीं है। ठीक है, तो ये इस देश को समझने की जरूरत है कि अगर इस देश का लोकतंत्र का मतलब, संविधान का मतलब परिवार है, तो सही में मायने में कि अभी लोकतंत्र को, सही लोकतंत्र को आने में हमें कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये इंतजार करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि ये सवाल तो है कि कब तक एक आम आदमी, इस देश का एक आम आदमी, कुछ परिवारों की गिरफ्त में जो लोकतंत्र फंसता हुआ नजर आता है, उससे बाहर निकलने का इंतजार करता रहेगा। 77 साल तो हो गए है ना, 77 साल से अब ज़्यादा होने वाले हैं। अब ऐसे में कब तक लोग इंतज़ार करते रहेंगे, कब तक आम आदमी पॉलिटिक्स में जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और ये परिवारों का जो एक अलग तरह का रिजर्वेशन चल रहा है, ये कब हटेगा, और लोकतंत्र क्या इस तरह से सुरक्षित रहेगा कि अपने परिवार के लोगों को भर दो। आज की चर्चा इसी पर थी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, कौशल जी और विजय कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो अभी वक्त आ गया इस वक्त में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि बिहार में पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, आरक्षण, बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया, इस पर करेंगे बात। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। एमडीएच, ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है, यह अनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है, इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आई है बिहार से, जहां पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। बिहार में दरअसल बढ़ा हुआ आरक्षण रद्द हो गया है। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। दरअसल कई याचिकाएं डाली गई थी, तो उन्हीं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया है। बिहार में आरक्षण की सीमा को आपको याद होगा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। तो साल 2023 में, यानी पिछले साल ही, बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से 2023 में हुई भर्तियां भी प्रभावित होंगी।
तो इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। 2021 में मराठा आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया था कि कोई भी राज्य सरकार 50% के ऊपर कोई आरक्षण देगी नहीं। उसके बाद भी कास्ट बेस्ड सर्वे के आधार पर 65% कर दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसको गलत पाते हुए कोर्ट ने इस चीज़ को सेटिसाइड कर दिया। ये दोनों नोटिफिकेशन ये संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है और इनको उन्होंने सेटिसाइड किया ये कहते हुए कि ये दोनों नोटिफिकेशन आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट है। तो पटना हाईकोर्ट द्वारा पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एससी एसटी के लिए 65% आरक्षण को रद्द करने पर आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि आरक्षण को लेकर जो दायरा नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बढ़ाया था उस पर जो रोक लगी है उसे हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। रोक लगी इसे मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे। हमारे नीतीश जी की कृपा से ही एनडीए की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोट किया जाए, हर तरह से उसको संरक्षित किया जाए। तो इस खबर पर हम आगे और ज्यादा अपडेट लेंगे अपने संवाददाता मधुरेश नारायण से जो पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला, एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। Your gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था, सीधे चलते हैं पटना अपने संवाददाता मधुरेश नारायण के पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, क्या कुछ पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है और क्या इस फैसले का असर जो है, जैसा कि वकील बता रहे थे कि 2023 की नियुक्तियों पर भी इसका असर पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये पटना हाईकोर्ट में जो पिटिशनर थे उनका उन्होंने ये तर्क दिया कि रिजर्वेशन में कैटेगरी की का जो आधार होना चाहिए वो आबादी के आधार पर नहीं होना चाहिए, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन उसका आधार होना चाहिए। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है ये आबादी के आधार पर दिया गया है, और इसी पे सुनवाई करते हुए माननीय जो हाईकोर्ट है उसने ये आरक्षण, बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया। और अभी अब जो आरक्षण है वो पहले की तरह 49.50% अब आरक्षण बिहार में लागू होगा, और इससे जो 2023 के जो भी यहाँ पे बहालियां हुई थी, शिक्षक बहाली हो या फिर अमीन बहाली हो या और भी जो बहाली हुई थी, वो निश्चित रूप से प्रभावित होंगी, क्योंकि जो आरक्षण कैटेगरी में जो लोग बहाल हुए थे उन पर इसका असर। बिल्कुल मधुरेश, जल्दी से ये भी बताइएगा कि क्या अब ये मामला आगे भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आ सकता है? जी बिल्कुल, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक बिल्कुल जाएगा। हमारी बात सीनियर वकील से यहाँ पे हो रही थी, उन्होंने बताया कि बिहार सरकार स्वतंत्र है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए, और बिहार सरकार निश्चित रूप से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। हालांकि एक बात ये भी है कि सरकार इस पूरे मसले को 9वीं सूची में डालने के बारे में भी विचार कर रही है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए पटना से। तो हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़े थे, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे ये खास प्रोग्राम इस वक्त। और इस बीच DD News पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।